दिग्विजय सिंह का पुतला फूंकना दतिया के दामोदर यादव को भारी पड़ गया। कांग्रेस ने एक्शन लेते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दामोदर यादव दतिया की सेवड़ा विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो दामोदर यादव के समर्थकों ने पीसीसी में जमकर बवाल काटा और दिग्विजय और जयवर्धन सिंह का पुतला भी फूंक दिया था। इसके साथ ही दामोदर यादव के समर्थकों ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में घुसकर दिग्विजय सिंह की तस्वीर पर कालिक पोत दी थी और नारेबाजी करते हुए कहा था कि कमलनाथ से बैर नहीं, दिग्गी तेरी खैर नहीं। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता दामोदर यादव दतिया जिले के सेवड़ा विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, पर जब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो दामोदर यादव के समर्थक आग बबूला हो गए। दामोदर यादव के सैकड़ों समर्थकों ने भोपाल पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवाया और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का पुतला फूंक दिया। इतना ही नहीं, नाराज समर्थकों ने कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुसकर दिग्विजय सिंह की तस्वीर पर भी कालिक पोत दी। अब कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लेते हुए दामोदर यादव को कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस नेता राजीव सिंह ने कहा कि सभी बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी बगावत करेगा उसे पार्टी से बाहर किया जाएगा। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के अधिकतर प्रत्याशियों के खिलाफ अगर कोई कांग्रेस का साथी चुनाव लड़ रहा है तो उसको निश्चित रूप से हम 6 साल के लिए निष्कासित करेंगे। आज क्योंकि नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि और पूरे प्रदेश में ये अच्छी बात है कि कांग्रेस के बहुत कम गिने चुने लोग हैं जिन्होंने फॉर्म अभी तक भर रखा है, लेकिन उनसे बातचीत जारी है और अगर 3 बजे तक वो नाम वापस नहीं लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज़ पर।